नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। हम बातें करेंगे सई, मेघा, शर्मिष्ठा और पुष्कर के बारे में। जहां आपने देखा कि दूसरी टीम मेघा को सपोर्ट नहीं कर रही है, वहीं पे अब मेघा की टीम भी कहीं ना कहीं मेघा से जेलस होने लगी है। काफी टाइम सब में इनसिक्योरिटी दिखी है, सब बातें करते हुए दिखते आए हैं, तो मेघा को अब काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। जबकि मेघा हमेशा अपनी दोस्ती में बलिदान देती आई है, चाहे वो नॉमिनेशन टास्क हो, कैप्टनसी टास्क हो। कल भी जब मेघा अपने लिए फाइट कर रही थी और मेघा के साथ कोई भी नहीं था, तो फाइनली मेघा ने सई को कैप्टनसी का दावेदार बोला कि ठीक है, मैं सई को बनाती हूँ। कैप्टनसी टास्क में रेशम और मेघा की फाइट हुई, क्योंकि मेघा बीच में बार बार बोल रही थी। वहीं पे सई भी बार बार मेघा को डांट रही थी कि मेघा तुम बोलो मत, मेघा तुम बोलो मत। मेघा ने जबकि सई को जल्दी ही समझाया जैसे ही टास्क आया और बोला कि सई तुम जाके चेंज कर लो, तुम जो स्कर्ट पहनी हो उसमें प्रॉब्लम होगा। पर सई ने पहले नहीं सुना, बाद में उसने किया लेकिन पहले उसने सुना नहीं। तो जो ये सारा प्रोसेस चल रहा था, जब कैप्टनसी खत्म हो गया, कैप्टनसी रेशम को मिल गया, तो सब डिस्कस कर रहे थे। सई काफी ज्यादा अपसेट थी, तो मेघा, शर्मिष्ठा इन लोगों ने बोला कि हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम्हें ड्रेस चेंज कर लाना चाहिए था, तुम्हें बीच में आना चाहिए था रेशम की जगह, ताकि तुमको अच्छा पॉइंट मिल सकता था, तुम टास्क जीत सकती थी। और सई को काफी ज्यादा इस बात पे गुस्सा आ गया है, जबकि मेघा ने उसे समझाना चाहा, मेघा ने हमेशा उसका अच्छा चाहा है, और कहीं ना कहीं उस बात के लिए वो बहुत ज्यादा बोल रही है पुष्कर को, काफी ज्यादा वो गुस्सा करने वाली है कि मेघा बार 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 हर बात पे ये बोलती है। वहीं पे मेघा ने सई से एक और बात बोली, और वो ये था कि तुम सबके सामने जो मुझे डांट देती हो, मैं मना कर देती हूँ, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोलती हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम डांट देती हो, मुझे भी तो एम्बेरस फील होता है, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ। एक दोस्त होने के नाते कंसर्न होता है, अगर उसने अपनी दोस्ती में ये चीज पूछी, कोई भी गलत नहीं किया। बट सई को ये बात समझ में नहीं आई, और पुष्कर वहीं पे समझा रहा है कि सई ये टाइम है इंडिविजुअली खेलने का, तो इंडिविजुअल खेलते हैं, अब मेघा को छोड़ते हैं, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देके सिर्फ और सिर्फ गेम की बातों पे ध्यान देते। जो मेघा सबके साथ लेके चली, जो पुष्कर, सई और शर्मिष्ठा हमेशा मेघा के पीछे पीछे रह के खेले और आज तक आगे आते आए, वहीं आज मेघा को कॉर्नर करना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये सही है? क्या वो लोग ऐसा करके जीत सकते हैं, या फिर वो लोग एकदम फाइनल में टॉप टू में आ जाएंगे? क्योंकि अब फाइनल में कौन जाता है, टॉप टू ही होते हैं। तो सई और पुष्कर ऐसा करके कि मेघा को कॉर्नर कर देते हैं और हम दोनों ऐसे फाइनल में आ जाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, एंड आपके व्यू क्या है ये भी हमें बताइएगा। सो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बाय बाय, टेक केयर।